हेलो बच्चों, तुला से नागे शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा बुक्का जो है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पेरेंट्स जो कि वास्तव में उसको बुक्का को जो है जो कि बहुत ही नोटी है, नोटी बन जाता है, उसे सीख सिखाने के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो बुक्का जैसे ही उनको ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे रास्ते में जो है स्क्वायरल मिलती है, जिसको कि उसने बहुत परेशान किया था। पेड़ की टहनियों को हिलाकर उसको डरा दिया था। ठीक है, फिर उसको रैबिट मिलता है, जिसे रैबिट को भी उसने बहुत परेशान किया था। उसने क्या किया था, उनके होल में जो है पानी अपने ट्रंक के साथ अपने सूंड के साथ जो है पानी डाल दिया था और उन्हें बहुत तंग किया था। तो ये जो है इसे रास्ता नहीं बताते हैं इसके पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। तो जब उसे रैबिट मिलता है सेकेंड टाइम दूसरे नंबर पे, तो बुक्का जो है मदर रैबिट से क्वेश्चन पूछता है, डू यू नो वेयर माय पेरेंट्स आर। बुक्का आस्क ए लिटल टिमिडली मीन्स डरते हुए। बुक्का थोड़ा डरते हुए पूछता है, डू यू नो वेयर माय पेरेंट्स आर, क्या तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। नो आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता। वुड नॉट टेल यू इवन इफ आई डिड, नहीं बताती यदि मुझे पता भी होता। तो मदर रैबिट जिसको कि उसने परेशान किया था, वन मिनट, मदर रैबिट जिसको कि बुक्का ने परेशान किया था, उनके होल में जो है पानी डालकर उसके बच्चों को और उसे, ठीक है, मदर रैबिट को। तो मदर रैबिट क्या कहती है, जब बुक्का उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, तो मदर रैबिट कहती है, नो नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वुड नॉट टेल यू इवन इफ आई डिड, तुम्हें नहीं बताती यदि मुझे पता भी होता, यदि मैं जानती होती। सेज मदर रैबिट स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स कठोरता से। मादर रैबिट जो है कठोरता से कहती है, डोंट यू रिमेम्बर हाउ पोर्ड वाटर डाउन अवर होल, क्या तुम्हें नहीं याद कि तुमने किस प्रकार से हमारे बिल में जो है पानी डाला था। वी नियरली डाइड, हम लगभग मर गए होते। नाउ सी हाउ इट फील्स, अब देखो कि ऐसा करने से कैसा महसूस होता है। सर्व्स यू राइट, ठीक है, तुम्हारे साथ सही हो रहा है, या तुम इसी के हकदार हो। ठीक है, तो मदर रैबिट जो कि बहुत गुस्से में है, उसकी आंखें जो है गुस्से से लाल हो चुकी हैं, तो वो बुक्का के साथ काफी कठोरता से बातें करती हैं जब बुक्का उससे अपने माता पिता के बारे में पूछता है। अगले पैराग्राफ में, बुक्का फील्स मिजरेबल एंड रिग्रेटफुल, जब बुक्का के साथ स्क्वायरल और मदर रैबिट ऐसा बिहेवियर करते हैं तो वह बहुत ही दुखी और पछतावा महसूस करता है। एज ही गोइज डाउन द जंगल रोड, जैसे वह जंगल के सड़क से नीचे जाता है, ही मीट्स द कलरफुल बटरफ्लाइज फ्लिटिंग मीन्स मंडराना। ही मीट्स द कलरफुल बटरफ्लाइज, तो वह रंग बिरंगी तितलियों से मिलता है, जो कि पिंक ब्लॉसम्स ऑफ द कंचन ट्री, कंचन पेड़ के गुलाबी फूलों के चारों ओर मंडरा रही थी। तो क्या कहता है बुक्का, ओ बटरफ्लाइज स्वीट बटरफ्लाइज, कैन यू टेल मी विच वे द एलिफेंट्स वेंट, आस्क्स बुक्का मीकली। मीकली मीन्स विनम्रता से, नरमी से। बुक्का नरमी से पूछता है, ओ बटरफ्लाई, ओ तितलियों, प्यारी तितलियों, कैन यू टेल मी विच वे द एलिफेंट्स वेंट, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हाथी किस रास्ते से गए हैं, किस रास्ते से गए। ठीक है, तो अब जो है बुक्का जो है बटरफ्लाई से पूछता है, बटरफ्लाइज को भी उसने क्या किया था, सभी बर्ड्स को, जंगल के जितने भी बर्ड्स थे, बटरफ्लाईज थी, उनको भी उसने काफी परेशान किया था अपनी शरारती हरकतों से। सी हाउ स्वीटली ही स्पीक्स टूडे, देखो वह आज कितनी मधुरता से बोल रहा है। वॉज नॉट इट जस्ट द अदर डे दैट ही ब्रोक द ब्रांचेस एंड ड्रो अस अवे, क्या यह वही है जिसने हमारी टहनियों को तोड़ा था और हमें दूर भगा दिया था। बुक्का वेट्स इन वेन फॉर एन आंसर, बुक्का बेकार में ही जवाब का इंतजार करता है। कहने का मतलब है कि उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। बुक्का क्रेस्ट फॉलन फेस मेक्स द स्पैरोज क्रैकल इन लाफ्टर, बुक्का का जो है दुखी और निराश चेहरा चिड़ियाओं को, ठीक है, चिड़ियाओं को
क्रैकल इन लाफ्टर, उनको हंसने के लिए चटचटाने के लिए, क्रैकल मीन चटचटाना, ठीक है। के लिए उनको क्या करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हम, बुक्का का दुखी और निराश चेहरा जो है चिड़ियों को हंसने के लिए